जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 2014 में इलेक्शन हुआ है और 2023 नवंबर जो है कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होके 10वां साल चढ़ने लगा और साथ साथ में आज ही के दिन वो जो म्युनिसिपलिटीज़ के जो हैं वो भी टाइम ख़त्म हो गया, पंचायतों का टाइम ख़त्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है। अब तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना के कभी यूटी दिवस और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो 20 को जम्मू में है, जिसमें पूरे स्टेट के जो पदाधिकारी हमारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सीनियर लोग CWC मेंबर्स और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी, मनोज यादव जी, सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और काफ़ी रेजोल्यूशंस हम लोगों के हक में पास करेंगे, जिसमें हमारा राशन जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, KCC लोन माफ़ करने की ज़रूरत है। आज ईरान और अमेरिका का सेब जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरे इंडिया में आ रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के सेब की जो है रेट वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों G20 में अमेरिका के सेब की जो एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज था, वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया गया और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है। तो एक पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब किया जा रहा है और हमारी पूरी डिमांड है जो भी टर्म ख़त्म हो रही है, चाहे म्युनिसिपलिटीज़ की, चाहे पंचायतों की और लेजिस्लेचर की, तो टर्म पिछले 2018 से ख़त्म हो चुकी हैं, इनके इमीडिएटली इलेक्शन किए जाए और हमारा स्टेट जो है वो वापस हमको वापस दिया जाए।